अमृतसर शहरी जथे की अज असी सारे अपने लीडर साहबान की सलाह मशवरे असी अनाउंसमेंट की है। तो सीनियर मीत प्रधान अठ सीनियर मीत प्रधान ने सारे नाम बोल दो, सरदार हरबिंदरपाल सिंह वालिया, सरदार ब्रह्मजीत सिंह, सरदार जगदीश सिंह जी कलेर, सरदार अंग्रेज सिंह वाली, सरदार बच्चन सिंह, सरदार दिलदार सिंह, सरदार लखविंदर सिंह लंगर, सरदार प्यारा सिंह। तो मीत प्रधान साढ़े नौ मीत प्रधान ने सरदार अजमेर सिंह, सरदार गुरदेव सिंह संधु, सरदार गुरमीत सिंह, सरदार सुखविंदर सिंह, सरदार नूर इंद्रजीत सिंह, सरदार हरी सिंह रामगढ़िया, सरदार राजिंदर सिंह, सरदार जगमोहन सिंह, सरदार चरण सिंह। जनरल सकत्तर साढ़े नौ ने जोड़े असी बनाए ने, उन्होंने सरदार अमरजीत सिंह जी वालिया, सरदार कश्मीर सिंह, कर्नल सज्जन सिंह, सरदार लखा सिंह, सरदार बिक्रम सिंह बिक्रमजीत सिंह भंगू, सरदार दलबीर सिंह, सरदार जसबीर सिंह, सरदार सुरिंदर सिंह, सरदार मनजिंदर सिंह टिमी मनजिंदर सिंह जी टिमी। ये जथेबंधक सकत्तर साढ़े चार असी किते ने, उन्हां विचों जिहड़े मुख ने वो सुपनदीप सिंह, गुरविंदर सिंह, सरदार बिक्रम सिंह, सरदार कुलविंदर सिंह। जॉइंट सकत्तर तीन हैगे ने, जिन्हां च सरदार हरजोत सिंह, सरदार गुरवेल सिंह, सरदार मलकीत सिंह। 31 मैंबरी ये नाल एक असी कानूनी सलाहकार जिहड़ा भी नियुक्त किया है और एडवोकेट नरेंद्र पाल सिंह जी भाटिया। परंपरा साहब जिहड़ियां पार्टी आपां हुण कर दित्ती आ विशाल करन जा रहे हां, संयुक्त अकाली दल जिहड़ा ना पंजाब विच सारे विच ही पहला उन्होंने सेंटर का ढांचा बनाया सी, जिहदे विच ओह तीन चार किस्तां दे विच ओह ऐलान किए सी 100-100 बंदा करके 400-500 के करीब पंजाब का ढांचा सी लगभग। सीनियर मीत प्रधान, जनरल सकत्तर, मीत प्रधान सकत्तर, होर जिहड़े कोई एग्जैक्ट मैंबर होंदे आ, फिर जिले प्रधान ऐलान किए सी, फिर गांह हुण जिलियां तो अगे जिलियां दीआं कमेटियां ऐलान करतीआं सी, ते बहुत सारे जिलियां इक सर्कल प्रधान बन गए आ पंजाब 'च, ते सर्कलां तो बाद बूथां दे प्रधान बन रहे आ। हाँ जी, ते इत्थे माझे 'च वी अज असीं जिहड़ी अमृतसर दे जिहड़ी मतलब कि सेंटर जिले की कमेटी है शहरी की, वह ऐलान की है बटाले वालों की, तो उन्होंने तो हो गई ही पर इतों की हूँ की है, मेरा ख्याल इस हफ्ते ही दिहाती कर रहे हैं, तो वो ढांचा कर रहे हैं नाल मुड़के हूँ ये दो हफ्ते कुछ रख के ना, फिर असी सर्कल जिन्ने ने 85 सर्कल उन्होंने प्रधान डिकलेयर करा, फिर सर्कलों की जी कमेटी है नाल भी करा जिन्ने जिन्ने अहदेदार होंगे। देखो जो अगले मामला है बरगाड़ी का जो गुरु ग्रंथ सत्कार एक अपनी थान से थान रखता है, ये तो हैगा ही हैगा, इन्हें रहना ही रहना है। नंबर दो बिजली का जोड़ा दोनों पार्टियां ने वड्डी लैके उन्होंने इतने लवा दते, मुड़े उदो बाद उन्होंने इन्ने हथियार दते, हिंदुस्तान सब तो महंगी बिजली इतने आ। हाँ जी, फिर उन्होंने 30-30 साल नहीं दे दी है, कोई उन्हें कुछ रिव्यू नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता, ना ये करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने मोटे गफ्फे लैके तो उन्होंने अधिकार दते हुए दोनों पार्टियां ने। हैवी वाली गल नहीं, गल तो यह भी सजावं देनिया जरूरी है, ये पंजा दिनों भी खत्म हो सकता, चाके जोड़े दोषी ने चाके जेल च डको ये पंजा दिन ही खत्म हो सकता, तो जो तुम हल ही नहीं करोगे तो ये तो रहेगा रहेगा। बीजेपी कह रही है कि साड़ी सरकार बनेगी पंजाब च, असी बरगाड़ी के दोषियों को सजावं देवांगे, क्योंकि 1984 शिशु कतलेआम के दोषियों नरेंद्र मोदी की सरकार वाले दिल्ली च सजा हुई। बेनती इस तरह है कि ना नौ मन तेल हो ना राधा नचे, बीजेपी पंजाब च सरकार बनाएगी ये गल अपने आप च एक हासो ही नहीं है, ठीक है। सो ये सुपना है मुरारी दा दे सुपने ने पंजाब जी अगली सरकार है संयुक्त अकाली दल, और इस तरीके जेड़े पंजाब दे धरती दे पुत ने जेड़े जिन्होंने असी किसानी कहने जिन्होंने असी
पंजाब पक्षी लोग कहने व्यापारी छोटा कहने दुकानदार छोटा कहने ये उन्होंने लोगों की सरकार आ रही है उन्हें ये सारे उड जाने हैं। देखो गल पंजाब 3 लाख करोड़ का कर्जे करजाई हो कि किया 2 पार्टियां ने जे मी जे मैं महंगाई तो 2 पार्टियां जे बेदबी हुई तो दोवें दोषी जे ट्रांसपोर्ट का मसला आया तो दोनों दोषी जे उन्हें ड्रग का मसला आया तो दोनों दोषी जे उन्हें जिन्हें भी मामले आ वो दोवें धिर जड़िया ने दोषी ने अकाली भाजपा भी सरकार करती रही है वह भी करते रहे बादल के तो दोषी कदे क्यों सज़ा देंगे वो तो यह ढांचा पाँदा भी इस वारी सानू दे दो अं कर लेंगे दूजी अं कर लेंगे वो हम लोग सियाने हो गए हैं। ब्रह्मपुरा साहब कहते कि आम आदमी पार्टी का गठजोड़ किया जा सकता है लेकिन सेवा सिंह शेखवा जी आम आदमी पार्टी ही ज्वाइन करके बेनती है कि यह जरा आम आदमी पार्टी ने समझौता करना नहीं करना किमें होना किमें नहीं होना ये गल्ला साढ़े व नहीं ये साढ़े सुखदेव सिंह जी ढींड साहब प्रधान साहब तो सरप्रस्त रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा के न संबंधित मामला इन बारे वो ही कोई आपका व्यू दे सकते असी नहीं दे सकते। देखो बेनती है जथेदार अकाल तख्त कोई फौजा नहीं होंदिया महाराजा रणजीत सिंह को लखा फौजा सी हाँ जी हजार तोपा सन हजार किले से काली फूला को किन्ने को किले के किन्निया को तोपा किन्निया को फौजा सन सवाल ये नहीं है सवाल हैगा एक इशू का धर्म का जोड़ा धुजा है उनके हाथ में इस तरह मतलब कि कैप्टन हंकारिया बंदा ना भी मने की फर्क पेगा ज्ञानी जैल सिंह नहीं मनिया लकीर कड़ गया बूटा हो नहीं मनिया उन्दे लड़का विहन वाला सी किसी सिख की गल छोड़ो कि पंजाबी ने बेटी नहीं ब्याई उन्हें बंगाली नाल अपना लड़का ब्याया बंगालन नाल मेरा मतलब कहने तो बंगालन के नाल उन्हें आपका लड़का ब्याया देखो गल एक इतिहास है बरनला गल पक्ति पा के इतने तुरै फिर रहा होर जे वे वे मैं व्डे व्डे की गल करता मास्टर तारा सिंह तो भांडे मजाए गए इतने सो इस करके जोड़ा ये व्डिया गल् ने ना अकाल तख्त को रूहानियत शक्ति आ कैप्टन तक ही कैप्टन के वडेरे भी जोड़े चीक मारनगे देखो जी बादल परिवार कांग्रेस तो भाजपा ये तिने रले हुए ये 10-10, 15-15, 20-20 साल लक्ष्मण ही नहीं श्रोमणी कमेटी की हो देंगे फिर कह देंगे जी जथेदार श्रोमणी कमेटी जी श्रोमणी कमेटी 5 सालों बाद लक्ष्मण ही नहीं होंगी 5 सालों तो बाद असेंबली चला के देखो पार्लीमेंट चला के बैठो राष्ट्रपति ने को एक दिन कट्टे अगे आ गवर्नर कल बदलता ना 5 सालों बाद अगलिया ने तो 5 सालों बाद सब कुछ सिस्टम बदलता है ये बदलते ही नहीं गए फिर कह देंगे जी साडा जथेदार है परिवार का जथेदार है उन्होंने परिवार का जथेदार है जी वो हरप्रीत सिंह जो मर्जी कहे सानू उन्हें बहुता लैन देन नहीं है।